दुनिया का सबसे आसान नाश्ता कम समय में कम चीजों में किसी भी मौसम में इसे बनाकर खा सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ सूजी का ऐसा टेस्टी नाश्ता, बहुत ही कम चीजों से और जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। ये इतना सॉफ्ट है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। यकीन मानिए, जितने भी मैंने नाश्ते बनाए हैं उनमें से सबसे अलग ये नाश्ता मुझे लगा है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है, इसको रख देंगे हम गैस के ऊपर और गैस को लो फ्लेम में चला लेंगे। इसके बाद एक कप डालेंगे इसमें पानी। अब इसके बाद डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच नमक डालकर हल्का सा इसे गर्म होने देंगे। अब पानी गर्म हो गया है, अब इसमें डालेंगे हम एक कप सूजी। तो ये बारीक वाली सूजी है, अगर आपके पास मोटी वाली सूजी हो तो वो भी इसमें डाल सकते हो। अब सूजी और गर्म पानी को हम अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। जब भी आप कभी जल्दबाजी में हो या फिर आपको नाश्ता बनाने का मन नहीं कर रहा हो तो आप इस नाश्ते को झटपट बनाकर तैयार कर सकते हो। यकीन मानिए, ये नाश्ता इतना जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, ये बैटर गाढ़ा हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम एक चम्मच घी। घी डालकर इसे थोड़ी सी देर और पका लेंगे। बस अब हमें सूजी को इतना ही पकाना है, ये बहुत ही गाढ़ा हो गए हैं। अब इसको हम एक प्लेट में उतार लेंगे। तो सारा सूजी का डो इसमें डाल देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब हाथों से इस डो को हम अच्छे से मसल लेंगे और मसलते हुए इसको चिकना करेंगे। हमने इसमें पहले एक चम्मच घी डाल दिया था, तो अब इसमें घी या तेल डालने की जरूरत नहीं है, ये आसानी से चिकना हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने इसको मसलते हुए चिकना कर लिया है। अब इस डो की हमें बॉल्स बनानी है, तो हाथों में हम तेल लगा लेंगे और छोटा सा इसका पेड़ा बनाकर गोल गोल बनाते हुए इसकी एक बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। इसकी बॉल बनाना बहुत ही आसान है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमने एक बॉल बनाकर तैयार कर ली है। इसे रख देंगे हम एक प्लेट में और इसी तरीके से हम सारी बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। इस नाश्ते को आप किसी भी मौसम में बनाकर तैयार कर सकते हो। जब भी गर्मी का मौसम हो तो ये बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। घंटों आपको किचन में खड़ा रहना नहीं पड़ेगा। या फिर भरी सर्दियों में आपकी इच्छा नहीं करती है बनाने की, तो आप इस नाश्ते को ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हो। तो ये देखिए, सारी बॉल्स हमने बनाकर तैयार कर ली है। अब एक कढ़ाई लेंगे, इसमें डालेंगे हम एक गिलास पानी। आप यहाँ पे कोई भी प्लेट या इस तरीके की स्टैंड को लगा सकते हो। अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप उल्टी प्लेट को रख कर स्टीम कर सकते हो। और इसी के ऊपर रख देंगे हम एक प्लेट को और इसके अंदर रखेंगे हमने जो सूजी की सारी बॉल्स बनाई थी उसे। सारी सूजी की बॉल्स को हम इसी के अंदर डाल देंगे और इसके ऊपर ढक्कन लगाकर इसको 10 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। और 10 मिनट में ही हम इसको निकाल लेंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। अब यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच तेल। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा उसके अंदर डालेंगे आधा चम्मच राई। यहाँ पे हमने 5 से 6 कड़ी पत्ते लिए हैं, इसको हमने बारीक काट लिया है, इसे भी तेल में डाल देंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्ची डालेंगे और 1/4 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे और इसे मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेंगे। अगर आप इसको और मसालेदार बनाना चाहते हो तो यहाँ पे आप अमचूर पाउडर, गरम मसाला, सफ़ेद तिल, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया और कई सारी सब्जियाँ और मसालों से इसको और भी चटपटा बनाकर तैयार कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने सारी बॉल्स डाल दी हैं और इसे हमें 1 से 2 मिनट तक पकाना है। हमने इस नाश्ते को बहुत ही आसान और कम चीज़ों से बनाकर तैयार किया है। और यकीन मानिए, ये नाश्ता सिंपल चीज़ों से भी इतना टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। इसे एक प्लेट में उतार देंगे और इसी के साथ हमने जो कल भुने चने की चटनी बनाई थी उसी के साथ इसे सर्व कर लेंगे, या फिर आप केचप से भी खा सकते हो। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।
ये नाश्ता आप कभी भी किसी भी वक्त बनाकर खा सकते हो, सुबह का नाश्ता हो या शाम की हल्की फुल्की भूख हो। जब भी आपका मन करे तो आप ऐसे नाश्ते को बनाकर तैयार कर सकते हो। ये इतना सॉफ्ट है और अंदर तक इतना बढ़िया ये पक चुका है, और ये देखिए कितना बढ़िया ये सॉफ्ट नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जितने भी मैंने नाश्ते बनाए हैं उनमें से सबसे बेस्ट मुझे नाश्ता यही लगा है, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हुआ है। भुने चने की चटनी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका वीडियो आप ज़रूर देखिए। और अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिए।